आज हम बात करेंगे मेन्यूज़ के अबाउट या नेविगेशन बार के अबाउट। मेन्यूज़ या नेविगेशन बार क्या होते हैं, इसके अबाउट हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेन्यूज़ के अबाउट या नेविगेशन बार के अबाउट। मेन्यूज़ या नेविगेशन बार क्या होते हैं, इसके अबाउट हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो चलें स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेविगेशन या मेन्यूज़ क्या होते हैं। अगर मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करूं, लेट्स से मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं ehsandanish.com, और यहां पे आपको एक टॉप के ऊपर नज़र आ रहा होता है होम सर्विसेज, पोर्टफोलियो, टेस्टमोनियल्स, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। तो ये बेसिकली इसको हम मेन्यू कहते हैं या नेविगेशन बार कहते हैं, राइट। तो इसको हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से इसको शो करवाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, तो वो आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे हम मेन्यू किस तरह से ऐड करेंगे। तो हम आएंगे वापस थीम और अपीयरेंस के सेक्शन के अंदर, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है मेन्यू का। मेन्यू के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे हमारे पास जो ऑलरेडी पेजेस या पोस्ट या जो कुछ भी है वो हम शो करवाना चाहते हैं मेन्यू के अंदर, तो वो हम यहाँ से शो करवाएंगे, राइट। यहाँ पे देखिए, हमने होम का पेज क्रिएट किया हुआ था, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और ये होम का पेज यहाँ पे शो हुआ पड़ा है, राइट। अगर मैं कोई और पेज क्रिएट करता हूँ, लेट्स से अब मेन्यू के अंदर मुझे पेजेस या कस्टम लिंक्स या पोस्ट, इन सबको मैं शो करवा सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली पेजेस ही शो करवाते हैं लोग। तो मैं यहाँ पे एक और अबाउट सेकंड पेज मैंने क्रिएट किया अबाउट का, और मैं एक और पेज क्रिएट करता हूँ जिसका नाम लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, राइट। अब मैं वापस जाता हूँ मेन्यू के अंदर, तो ये तीनों पेजेस वहाँ पे मौजूद होंगे और इनको मैं मेन्यू के अंदर शो करवा दूँगा। तो यहाँ पे देखें, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और इनको अगर मुझे, लेट्स से अब मैंने यहाँ पे क्रिएट मेन्यू क्लिक कर दिया, इन सबको ऐड करके यहाँ पे, और मैंने क्रिएट मेन्यू कर दिया, ओके। अब मैं इसको जब रीलोड करूँगा तो ये मेन्यू यहाँ पे शो होने चाहिए। यहाँ पे शो नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, यहाँ पे ऑप्शन है एक प्राइमरी मेन्यू, डिस्प्ले लोकेशन। तो बेसिकली इस वाली जगह को प्राइमरी लोकेशन कहते हैं, प्राइमरी नेविगेशन बार कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, प्राइमरी, सेव करूँगा, और अब अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पे ये मेन्यूज शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, ये मेन्यू शो हो गए, लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप चाहते हैं कि ये होम पेज इधर पहले आए, फिर उसके बाद यहाँ पे अबाउट अस आए और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस आए। तो इसको किस तरह से मैनेज करेंगे, आप यहाँ पे आओगे और सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे होम पेज है, सेकेंड पे अबाउट, थर्ड के ऊपर कॉन्टैक्ट। तो मैं इसको अब सेव कर देता हूँ, और अगर मैं इसको अब रीलोड करता हूँ और तो यहाँ पे देखें, उनकी पोजीशन उस तरह से चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू मैं आपको अगर दिखा दूँ, लेट्स से मैं कोई भी न्यूज़ की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, या कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, और उसके अंदर आपको इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलेगा। लेट्स सपोज मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें, इसके ड्रॉप डाउन के अंदर मज़ीद जो है वो पेजेस या लिंक्स ओपन हो चुके हैं। तो ये किस तरह से आप बनाओगे, तो आप आओगे मेन्यू के अंदर। लेट्स सपोज आप चाहते हो कोई भी बंदा इस होम के ऊपर होवर करे, तो उस होम के नीचे अबाउट और कॉन्टैक्ट अस नज़र आए, तो मैं क्या करूँगा, इनको उठा के थोड़ा सा इधर इधर कर दूँगा, राइट। तो ये अब होम पेज के सब मेन्यू बन चुके हैं, ओके। इसको मैं सेव करूंगा और इसको मैं जब रीलोड करूंगा तो यहाँ पे देखें, ये दोनों जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो होम और अबाउट अस इसके नीचे आ गए। अब ये स्टाइल किस तरह से है, ये किस तरह से, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके थीम के ऊपर। आपका थीम किस तरह से होगा तो ये ऑटोमेटिकली उसी थीम के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन हो जाएंगे खुद ब खुद ही मेन्यू। अब इस थीम का डिज़ाइन इसी तरह से ब्लैक एंड वाइट था, तो ये उसी तरह से वही टाइपोग्राफी, वही कलर, वही एनिमेशंस, तो उस तरह से उसने ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लिए हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मेन्यू क्या है, किस तरह से आप मेन्यू बनाते हो, किस तरह से उनको शो करवाते हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, आप अपने अभी पेजी शो करवाए, आप चाहो तो कैटेगरीज भी शो करवा सकते हो। लास्ट टाइम हमने जैसे एक टेक्नोलॉजी बनाया था, टेक्नोलॉजी की एक कैटेगरी, और उसके अंदर एक पोस्ट डाला था, राइट। अब इसको मैं चाहता हूँ मेन्यू के अंदर मैं शो करवा दूँ, तो मैंने यहाँ पर मेन्यू के अंदर इसको शो करवा दिया और सेव कर दिया। अब जब मैं इसको रीलोड करूँगा
तो यहाँ पे वो मेन्यू आ चुका होगा टेक्नोलॉजी, वो जो कैटेगरी थी वो हमने यहाँ पे शो करवा दी। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो जो आर्टिकल्स मैंने इस पर रखे होंगे वो ही शो हो जाएंगे यूज़र को। जैसे मैंने क्लिक किया, इसके अंदर कोई आर्टिकल नहीं है, तो मैं इसके अंदर एक आर्टिकल डाल देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे आया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक टेस्टिंग पोस्ट, और यहाँ पे मैं एक रैंडम से टेक्स्ट डाल देता हूँ। रैंडम से टेक्स्ट डालने के बाद यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे फीचर इमेज लगा देता हूँ, कोई फीचर इमेज मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। जैसे ये फीचर इमेज मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। फीचर इमेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो डिस्प्ले इमेज होती है या फ्रंट इमेज होती है, तो यहाँ पे मैंने ये इमेज लगा दी और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं जब इसको रिलोड करूँगा तो इस पार्टिकुलर उसके अंदर वो पोस्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका कंटेंट शो हो जाएगा, राइट। तो लेट्स से मैं इसको ओपन करता हूँ या रीड मोर पे क्लिक करता हूँ। आई डोंट नो वाई क्यों ये रीड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखें, ये पूरी पोस्ट ओपन हो गई और इसके अंदर जो भी कंटेंट था वो शो हो गया और यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन और ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो गई। तो आई होप आपको समझ आई होगी मेन्यू किस तरह से डील करते हैं, नेविगेशन या प्राइमरी में नेविगेशन किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से इनको यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके अंदर हम बात करेंगे कस्टमाइजेशन के अबाउट, थीम कस्टमाइजेशन के अबाउट और डिटेल के अंदर उसके अबाउट बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।